दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज बात करूंगा स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स फिल्म के बारे में। अभी अभी मैं फिल्म देख कर आया हूं और लिटरली मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप बचपन में स्पाइडरमैन को देखना या उसकी एनिमेटेड फिल्म्स को देखना पसंद करते थे तो मुझे वाकई में लगता है कि आपको ये फिल्म जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये फिल्म भी फिर अच्छी लगेगी। देखिए, कहानी यहाँ पे सिंपल है कि अलग अलग डायमेंशंस के जो आपके स्पाइडरमैन से वो एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं और किस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस की दुनिया के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं। ये फिल्म 2018 में आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का सीक्वल है और लिटरली मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि फिल्म का जो आपको एक डायमेंशन नजर आएगा, जिस तरीके से वो दिखाने का एक नजरिया है स्पाइडरमैन को, अलग अलग स्पाइडरमैन को, स्टार्टिंग के 30 मिनट आपको लिटरली कुछ समझ नहीं आया कि यार फिल्म में क्या हो रहा है, क्योंकि पहले के 30 मिनट में अलग अलग डायमेंशंस के स्पाइडरमैन को एक जगह लाया जा रहा है स्क्रीन प्ले के द्वारा और डायलॉग्स के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा, अगर आप फिल्म पूरी देखेंगे। लेकिन 30 मिनट के बाद फिल्म जो एक इम्प्रेसिव पेस को क्रिएट करती है या इम्प्रेसिव पेस को पकड़ती है तो आपको कहानी समझ में आने लगती है कि यार यहाँ पे टीनेज वॉरियर्स हैं सारे, जो स्पाइडरमैन के भेस में किस तरीके से अपने फेट को बचाना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी अपनी डायमेंशंस को बचाना चाहते हैं और भी ज़्यादा पावर गेन करके, ऐसी आपको कहानी नजर आएगी। देखिए, जो स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन नहीं है उनको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उनको ये फिल्म ना तो समझ आएगी ना तो पसंद आएगी। लेकिन जो लोग इस फिल्म को, जो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को ही पसंद करते हैं, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ इस फिल्म को जाकर देखें। क्योंकि देखो, एनिमेशन बच्चों के द्वारा या बच्चों के लिए बनाया गया तो बहुत अच्छा लगेगा। डबिंग खासकर, यार मुझे डबिंग काफ़ी ज़्यादा, हिंदी डबिंग बहुत अच्छी लगती है, खासकर शुभम गिल की जो कैरेक्टर की जो वॉइस है उनका रोल बहुत माइन्यूट, बहुत माइनस में रहा है। लेकिन जितने भी देर के लिए शुभम गिल की वो जो वॉइस आई है स्क्रीन पर, भाई तहलका मचा दिया है, तहलका। क्या डायलॉग उनको दिए गए थे यार बोलने के लिए, यहाँ पवित्र प्रभाकर के लिए। ओवरऑल फिल्म देखो एक नॉर्मल से लड़के की है जिसको दूसरी डायमेंशन का एक जो स्पाइडर है वो काट लेता है और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है। फिर उससे पावर छीनने के लिए ओपोनेंट सामने आता है, फिर उसको बहुत सारी कहानियां पता चलती हैं। वो कहानियां जानने के लिए, वो जो लेयर्स ऑफ स्टोरीज हैं वो जानने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। स्क्रीन प्ले वगैरह एनिमेटेड सीरीज में क्या ही कितनी ही होती है, ठीक ठाक है। अगर स्क्रीन प्ले की बात करूं, एडिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई है तो वैसी ही एक स्टोरी लाइनिंग वैसी ही रखी हुई है। जो ग्वेन स्टैंसी का जो रोल है, अगर आप यहाँ देखेंगे, वो जो सुंदर सी लड़की जो होती है जो अपने फादर से दूर जाती है काम वाम करने, तो उसका रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब अगर आप मेरे से 10 साल छोटे हो, यानी आई एम 21 राइट नाउ, और अगर आप 11 साल के हो तो लिटरली आपको उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है बच्चों के लिए, या जिनको स्पाइडर के यूनिवर्स में जाना है, जिनको पसंद है, वो लोग इस फिल्म को देखें। जिनको स्पाइडरमैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ वो फिल्म को जाकर थिएटर में ना देखें। आपको सिर्फ यही महसूस होगा कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने देखी ये फिल्म तो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।